श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत पुराण दसम स्कंद पूर्वार्ध अथ पंचविंशोध्याय गोवर्धन धारण। श्री शुक उवाच। इंद्रस्तदात्मनः पूजां विज्ञाय विहतां नृप गोपेभ्य कृष्णनाथेभ्यो नन्दादिभ्यश्चुकोपसः गणं सावर्तकं नाम मेघानां चान्तकारिणां इन्द्र प्राचोदयत क्रुद्धो वाक्यं चाहेश मान्युतः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब इंद्र को पता लगा कि मेरी पूजा बंद कर दी गई है, तब वे नंद बाबा आदि गोपों पर बहुत ही क्रोधित हुए। परंतु उनके क्रोध करने से होता क्या, उन गोपों के रक्षक तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। इंद्र को अपने पद का बड़ा घमंड था। वे समझते थे कि मैं ही त्रिलोकी का ईश्वर हूँ। उन्होंने क्रोध से तिल मिलाकर प्रलय करने वाले बेघों के सांवर्तक नाम के गण को वज्र पर चढ़ाई करने की आज्ञा दी और कहा, अहो श्रीमद महात्यम गोपानाम कान नौकसाम कृष्णम मर्त्यमोपाश्रित्य ये चक्रुदेव हेलनम यथा दृढ़े कर्ममय क्रतुभिर्नाम मनोनिभय विद्यामान वीक्षिकीं हित्वा तितीर्षन्ति भवानवम वाचालं बालिशं स्तब्धमज्ञं पंडितमानिनं कृष्णं मृत्युमुपाश्रित्य गोपामे चक्रुरपियं एषां श्रिया वलिप्तानां कृष्णेनाध्यायितात्मनां धुनुत श्रीमदस्तम्भं पशून नयत संक्षयम् अहम चैरावतम नाग मारुद्यानुव्रजे व्रजम मरुद्गणेर महावीर्येर नंद गोष्ठ जिघांसया। ओह, इन जंगली ग्वालों को इतना घमंड, सचमुच यह धन का ही नशा है। देखो तो सही, एक साधारण मनुष्य कृष्ण के बल पर उन्होंने मुझ देवराज का अपमान कर डाला। जैसे पृथ्वी पर बहुत से मंदबुद्धि पुरुष भवसागर से पार जाने के सच्चे साधन ब्रह्म विद्या को तो छोड़ देते हैं और नाम मात्र की टूटी हुई नाम से कर्ममय यज्ञों से इस घोर संसार सागर को पार करना चाहते हैं। कृष्ण बकवादी, नादान, अभिमानी और मूर्ख होने पर भी अपने को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता है। वह स्वयं मृत्यु का ग्रास है, फिर भी उसी का सहारा लेकर इन हीरों ने मेरी अवहेलना की है। एक तो ये यूं ही धन के नशे में चूर हो रहे थे, दूसरे कृष्ण ने इनको और बढ़ावा दे दिया है। अब तुम लोग जाकर इनके धन के घमंड और हेकड़ी को धूल में मिला दो तथा उनके पशुओं का संहार कर डालो। मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे ऐरावत हाथी पर चढ़कर नंद के व्रज का नाश करने के लिए महापराक्रमी मरुद्गणों के साथ आता हूँ। श्री शुक उवाच। इत्थम मघवता ज्ञप्ता मेघा निर्मुक्त बंधनः नंद गोकुलमासारे पीड़यामासु रोजसा विद्योतमाना विद्युद्भिः स्तनंत स्तनयुत्नुभिः तीव्रे मरुद्गुणेर्नुना वव्रशूर्जल शर्करः स्थूणा स्थूला वर्षधारा मुञ्चस्त्वभ्रेष्वभीक्षणशः जलौघे प्लाव्यमाना भूर्ना दृश्यत नतोन्नतम् अत्यासारातिवातेन पशुओ जातवेपना गोपा गोपश्च शीतार्ता गोविंदम शरणम ययु। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इंद्र ने इस प्रकार प्रलय के मेघों को आज्ञा दी और उनके बंधन खोल दिए। अब वे बड़े वेग से नंद बाबा के व्रज पर चढ़ाए और मूसलाधार पानी बरसाकर सारे व्रज को पीड़ित करने लगे। चारों ओर बिजलियां चमकने लगी, बादल आपस में टकराकर कड़कने लगे और प्रचंड आंधी की प्रेरणा से वे बड़े बड़े ओले बरसाने लगे। इस प्रकार जब दल के दल बादल बार बार आकर खंभे के समान मोटी मोटी धाराएं गिराने लगे, तब व्रजभूमि का कोना कोना पानी से भर गया और कहाँ नीचा है कहाँ ऊंचा इसका पता चलना कठिन हो गया। इस प्रकार मूसलधार वर्षा तथा झंझावात के झपाटे से
एक एक पशु ठिठुरने और कांपने लगा। ग्वाल और ग्वाली ने भी ठंड के मारे अत्यंत व्याकुल हो गईं। तब वे सब के सब भगवान श्री कृष्ण की शरण में आए। शिरसुतांशिकायेन प्रच्छाध्यार सार पीड़िता वेपमाना भगवत पादमूलमुपाययुः। कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो त्रातु मरहसि देवान् कुपीताद भक्तवत्सल। शिलावर्ष निपातेन हन्यमानम चेतनम निरीक्ष्य भगवान मेने कुपीतेन्द्र कृतम हरि। अपर्वत्युल्बणम मति वर्षमती वातम शिलामयम स्वयागे विहते स्माभिरिन्द्रो नाशाय वर्षति। तत्र प्रतिविधिं सम्यगात्मयोगेन साधये लोकेशमानिनां मोढ्याधरिष्ये श्रीमदं तमः। नहि सद्भक्ता वयुक्तानां सुराणामीश विस्मयः मत्तो सतां मानभङ्गः प्रशमायोपकल्पते। तस्मान् मच्छरणं गोष्ठं मन्नाथं मत्परिग्रहं गोपाये स्वात्मयोगेन सोयं मे व्रताहितः। इत्युक्त वेकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलं दधार लीलया कृष्णश छत्राकमिव बालकः। मूसलाधार वर्षा से सताए जाने के कारण सबने अपने अपने सिर और बच्चों को निहुक कर अपने शरीर के नीचे छिपा लिया था और वे कांपते कांपते भगवान की चरण शरण में पहुंचे और बोले, प्यारे श्री कृष्ण, तुम बड़े भाग्यवान हो। अब तो कृष्ण, केवल तुम्हारे ही भाग्य से हमारी रक्षा होगी। प्रभु, इस सारे गोकुल के एकमात्र स्वामी, एकमात्र रक्षक तुम्ही हो। भक्तवत्सल, इंद्र के क्रोध से अब तुम्ही हमारी रक्षा कर सकते हो। भगवान ने देखा कि वर्षा और ओलों की मार से पीड़ित होकर सब बेहोश हो रहे हैं और वे समझ गए कि यह सारी करतूत इंद्र की है। उन्होंने ही क्रोधवश ऐसा किया है। वे मन ही मन कहने लगे, हमने इंद्र का यज्ञ भंग कर दिया है। इसी से वे वृक्ष का नाश करने के लिए बिना ऋतु के ही यह प्रचंड वायु और ओलों के साथ घनघोर वर्षा कर रहे हैं। अच्छा, मैं अपनी योग माया से इसका भली भांति जवाब दूंगा। ये मूर्खतावश अपने को लोकपाल मानते हैं और इनके ऐश्वर्य और धन का घमंड तथा ज्ञान में चूर चूर कर दूंगा। देवता लोग तो सत्य प्रधान होते हैं, इनमें अपने ऐश्वर्य और पद का अभिमान न होना चाहिए। अतः यह उचित ही है कि इस सत्व गुण से च्युत दुष्ट देवताओं का मैं मान भंग कर दूं। उन्हें अंत में इससे शांति ही मिलेगी। यह सारा व्रज मेरे आश्रित है, मेरे द्वारा स्वीकृत है और एकमात्र मैं ही इसका रक्षक हूँ। अतः मैं अपनी योग माया से इसकी रक्षा करूँगा। संतों की रक्षा करना तो मेरा व्रत ही है। अब उसके पालन का अवसर आ पहुँचा है। भगवान कहते हैं, सक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति चयाचये अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतम मम। जो केवल एक बार मेरी शरण में आ जाता है और मैं तुम्हारा हूँ इस प्रकार याचना करता है, उसे मैं संपूर्ण प्राणियों से अभय कर देता हूँ। यह मेरा व्रत है। इस प्रकार कहकर भगवान श्री कृष्ण ने खेल खेल में एक ही हाथ से गिरिराज गोवर्धन को उखाड़ लिया और जैसे छोटे छोटे बालक बरसाती छत्ते के पुष्प को उखाड़ कर हाथ में रख लेते हैं, वैसे ही उन्होंने उस पर्वत को धारण कर लिया। अतः भगवान गोपान हेम बतात व्रजो कस यथोपजोषम विशत गिरी गर्तम स गोधना न त्रास इह वह कार्यो मध्यस्ताद्रिनी पातने वात वर्ष भयनालम तत्राणम विहितम हि वह। तथा निर्वी विशुर्गर्तम कृष्णाश्वासित मानसा यथावकाशम सधना सव्रजा सोपजीविनः। छ्रतंडवत्थाम सुखापेक्षाम हित्वा तैर्व्रजवासी भी वीक्षमाणो दधावद्री सप्ताहं नाचलत पदात। कृष्ण योगानुभावं तं निशामेन्द्रोति विस्मितः निस्तंभो भ्रष्ट संकल्पः स्वान मेघान सन्न्यवारयत। खं व्यभ्रमुदितादित्यं वात वर्षं च दारुणं निशाम्योपरतम गोपान गोवर्धन धर्व ब्रवीत। निर्यात त्यजत त्रासम गोपा सस्त्रीर्ध नार्भकः उपारतम वात वर्षम विदुप्रायाश निम्नगः। ततस्ते निर्युयोगार्पा
ततस्ते निर्ययुर्गोपा स्वं स्वमादाय गोधनम शकटोढोपकरणम स्त्री बालस्थविराशने भगवान अपि तम शैलम स्वस्थाने पूर्ववत प्रभु पश्यताम सर्वभूतानां स्थापयामास लीलया। इसके बाद भगवान ने गोपों से कहा, माताजी, पिताजी और ब्रजवासियों, आप लोग अपनी गौओं और सब सामग्रियों के साथ इस पर्वत के गड्ढे में आकर आराम से बैठ जाओ। देखो, तुम लोग ऐसी शंका न करना कि मेरे हाथ से यह पर्वत गिर पड़ेगा। तुम लोग तनिक भी मत डरो। इस आंधी पानी के डर से बचाने के लिए ही मैंने यह युक्ति रची है। जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार सबको आश्वासन दिया, ढाढ़स बंधाया, तब सब के सब ग्वाल अपने गोधन छकड़ों आश्रितों पुरोहितों और भृत्यों को अपने अपने साथ में लेकर सुविधे के अनुसार गोवर्धन के गड्ढे में आ घुसे। भगवान श्री कृष्ण ने सब व्रजवासियों के देखते देखते भूख प्यास की पीड़ा आराम विश्राम की आवश्यकता आदि सब कुछ भुलाकर 7 दिन तक लगातार उस पर्वत को उठाए रखा। वे एक डग भी यहाँ से इधर उधर नहीं हुए। श्री कृष्ण की योग माया का यह प्रभाव देखकर इंद्र के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अपना संकल्प पूरा न होने के कारण उसकी सारी हेकड़ी बंद हो गई। वे भौंचक्के से रह गए। इसके बाद उन्होंने मेघों को अपने आप वर्षा करने से रोक दिया। जब गोवर्धनधारी भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि वह भयंकर आंधी और घनघोर वर्षा बंद हो गई, आकाश से बादल छट गए और सूर्य दिखने लगे, तब उन्होंने गोपों से कहा, मेरे प्यारे गोपों, अब तुम लोग निडर हो जाओ और अपनी स्त्रियों गोधन तथा बच्चों के साथ बाहर निकल आओ। देखो, अब आंधी पानी बंद हो गया तथा नदियों का पानी भी उतर गया। भगवान की ऐसी आज्ञा पाकर अपने अपने गोधन स्त्रियों बच्चों और बूढ़ों को साथ ले तथा अपनी सामग्री छकड़ों पर लादकर धीरे धीरे सब लोग बाहर निकल आए। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने भी सब प्राणियों के देखते देखते खेल खेल में ही गिरिराज को पूर्ववत उसके स्थान पर रख दिया। तम प्रेग वेगान निभृता व्रजो कसो यथा समीयु परि रम्भणादिभिः गोपश्च स्नेहम पूजयन मुदा दक्षता दध्यक्षताद्भिर्युर्युजुः सदाशिष यशोदा रोहिणी नंदो रामश्च बलिनां वर कृष्ण मालिंग युयुजुराशिष स्नेह कातरः दिवी देवगण साध्या सिद्ध गंधर्वचारिण तुष्टुर्वर्मो मुचुस्तुष्टा पुष्पवर्षाणि पार्थिव संकदुंदु भयो ने दुर्दिर्वी देव प्रणोदिता जगुर्गंधर्व पतयस्तु बुरु प्रमुखा नृप ततो नुरुक्ते पशुपे परिश्रितो राजन स गोष्ठम सबलो व्रजद्धरी तथा विधान्यस्य कृतानि गोपिका गायन्त्य युर्मुदिता हृदि स्पर्शः। व्रजवासियों का हृदय प्रेम के आवेग से भर रहा था। पर्वत को रखते ही वे भगवान श्री कृष्ण के पास दौड़ आए। कोई उन्हें हृदय से लगाने और कोई चूमने लगा। सब ने उनका सत्कार किया। बड़ी बूढ़ी गोपियों ने बड़े आनंद और स्नेह से दही चावल जल आदि से उनका मंगल तिलक किया और उन्मुक्त हृदय से शुभ आशीर्वाद दिए। यशोदा रानी, रोहिणी जी, नंद बाबा और बलवानों में श्रेष्ठ बलराम जी ने स्नेहातुर होकर श्री कृष्ण को हृदय से लगा लिया तथा आशीर्वाद दिए। परीक्षित, उस समय आकाश में स्थित देवता, साध्य, सिद्ध, गंधर्व और चारण आदि प्रसन्न होकर भगवान की स्तुति करते हुए उन पर फूलों की वर्षा करने लगे। राजन, स्वर्ग में देवता लोग शंख और नौबत बजाने लगे। तुम्बुरु आदि गंधर्व राज भगवान की मधुर लीला का गान करने लगे। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने व्रज की यात्रा की। उनके बगल में बलराम जी चल रहे थे और उनके प्रेमी ग्वाल बाल उनकी सेवा कर रहे थे। उनके साथ ही प्रेममयी गोपियां भी अपने हृदय को आकर्षित करने वाली, उनमें प्रेम जगाने वाले भगवान की गोवर्धन धारण करने आदि लीलाओं का गान करती हुई बड़े आनंद से व्रज में लौट आई। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे पूर्वार्धे पंचविंशो अध्याय संपूर्णम्।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा।